नमस्ते बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग। सो बच्चों, आज हम लेके आ रहे हैं सेक्शन बी, मतलब कि 2 मार्क के क्वेश्चंस। देखिए, लास्ट मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर मैंने सेक्शन ए मतलब कि 1 मार्क के क्वेश्चंस जो हैं वो पास्ट प्रीवियस लाइक प्रीवियस पेपर्स जो थे हमारे उसमें से मैंने पूरे किए थे। तो जैसे आपको आइडिया आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एंड आई प्रॉमिस कि मैं और भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स अपलोड करूँगी। बट क्या जो बोर्ड में पूछे गए हैं अगर हम लोग पहले प्रिपरेशन कर लें, और गाला तो हमारा ऑलरेडी हो चुका होगा मैं मान के चल रही हूँ, बिकॉज प्री बोर्ड का एग्जाम आपका हो चुका है, तो प्री बोर्ड के हिसाब से आपने गाला कंप्लीट किया, टेक्स्ट बुक आपने कर ली होगी, और अभी अगर हम लोग पास्ट क्वेश्चन करते हैं एंड फिर एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा मटेरियल रेडी हो जाएगा, और इस हिसाब से हमें कोई नहीं रोक सकता है अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो अब वही चीज़ करने वाले हैं। तो अभी हम लोग ना वही पास्ट पेपर्स के 2 मार्क के क्वेश्चन देखेंगे। ये आई थिंक जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 1 बनेगा, क्योंकि अभी मुझे और सारे क्वेश्चन जो है वो उसमें डालने हैं तो टाइम लंबा हो जाता है। इसके लिए फिर मैंने क्या किया कि इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लूँगी मैं। तो अभी हम लोग करेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 में भी हम लोग बी सेक्शन करेंगे, पार्ट 2 में बी सेक्शन करेंगे जिसमें हम 2 मार्क के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट करके हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड ने अब तक पूछे हुए हैं। तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं आपके साइड में, ये जो हम कर रहे हैं ये हम जुलाई 2022 का पेपर करने वाले हैं, ठीक, लास्ट ईयर के हिसाब से। तो आइए सेक्शन बी में हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। आंसर्स मैंने दिए हुए हैं, इसके लिए आपको आंसर्स फाइंड करने की टेंशन नहीं है। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा किया था कि आंसर्स नहीं दिए, सिर्फ क्वेश्चंस दिए थे, बच्चों को तो तकलीफ हो गई थी कि आंसर्स ढूंढने, तो मैंने इस बार आंसर्स आपको दे ही दिए। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाउ विल यू टेस्ट एसिड एंड बेस यूजिंग द ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स, एक्सप्लेन इट विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, ऑल्फैक्ट्री मतलब क्या होता है बेटा, स्मेल। ठीक है, तो स्मेल करके अब जिनका आईसाइट वीक होता है ना, तो वो लोग तो देख के पता नहीं सकते कि वो एसिड होगा कि बेस होगा लिटमस पेपर के हिसाब से या क्या, तो उनको विद द हेल्प ऑफ द स्मेल वो डिटेक्ट करना होता है कि एसिड है कि बेस है। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो अब बेसिकली यहाँ पर हम लोग 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, अनियन, क्लोव एंड वेनीला। जैसे अनियन है ना, ठीक है, तो वो बेसिक मीडियम बेस में जाता है तो अपनी स्मेल जो है वो लूज़ कर लेता है, और एसिडिक मीडियम में उसकी स्मेल जो है वो बरकरार रहती है। देखो मम्मी जब खाना बनाते हैं, ठीक है, तो प्याज तो काटते हैं, तो जब प्याज काटते हैं देखो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, पूरे घर में उसकी स्मेल फैल जाती है। पर यही जब खाना बन जाता है तो हमें पता भी नहीं चलता कि अंदर अनियन है, बात समझ आई। ठीक है, तो यही चीज़ होता है। तो अब खाना हमारा क्या है, खाना हमारा बेसिक मीडियम होता है, तो इसके हिसाब से उसका जो स्मेल होता है वो पूरा का पूरा चला जाता है। तो बेस में ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्लोव है, ठीक है, तो क्लोव का भी जो स्मेल होता है लॉन्ग, उसकी भी स्मेल काफ़ी ख़तरनाक होती है। ठीक है, तो वो भी बेस मीडियम में चली जाती है। सेम वेनिला, ठीक है, वेनिला जो हम आइसक्रीम खाते हैं, वैसे आइसक्रीम नहीं बट मम्मी के पास होगा केक में डालते हैं मम्मी कभी कई बार, तो वो भी जो है वो अपनी स्मेल लूज़ कर लेता है, और एसिडिक मीडियम में तीनों अब उसकी स्मेल जो है वो बरकरार रहती है। आप कभी कोशिश करना लाइक नींबू का जूस निकालना और अनियन के जूस के साथ मिक्स करना, या अनियन में मिक्स करना। अरे हम होटल में जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो पता है हमने ऐसे अनियन के ऊपर नींबू निचोड़ के खाते हैं, तो फिर भी अनियन की टेस्ट आती है ना, नहीं जाती है ना, यस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। स्टेट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स के 4 प्रॉपर्टीज दीजिए। देखो सबसे लाइक नमक याद कर लो, नमक इज़ द बेस्ट आयोनिक कंपाउंड। तो ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल, हाथ में खुरदुरापन लगता है, ब्रिटल नेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है, नमक को पानी में डालते डिजॉल्व हो जाता है ना, दैट मीन्स कि सॉल्यूबल इन वाटर, एंड वी नो कि पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बिकॉज ऑफ द सॉल्ट्स, तो ये बेसिकली दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट इन द मोल्टन स्टेट, सॉलिड में नहीं। मतलब कि अगर आपने कटोरी में नमक लिया और फिर आप 2 वायर जला के बबल ग्लो करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है। यहीं पर अगर, ठीक है, 1 चुटकी नमक पानी में मिक्स कर लिया और फिर आप ग्लो करोगे LED या हाई वोल्टेज का बल्ब तो नहीं होगा, तो वो ग्लो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गैंगी, ऑन व्हाट बेसिस गैंगी इज रिमूव फ्रॉम द ओर। ठीक है, अब गैंगी क्या होता है, तो देखो बेटा जब हम लोग अर्थ से, ठीक है, ज़मीन में से हम लोग जब मेटल निकालते हैं तो हमें पता है वो बहुत सारी इम्प्योरिटीज लेके आता है, तो ये जो इम्प्योरिटीज होता है लाइक सॉइल, सैंड, ठीक है, या और बहुत सारे सब्सटेंसेस, उसको हम गैंगी कहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है गैंगी को रिमूव करने का, वो डिपेंड करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंगी, कि भाई किस किस तरीके की इम्प्योरिटी है उस पर डिपेंड करेगा कि उसको रिमूव करने का तरीका क्या होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना, देखो ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो समझ के चलना कि बोर्ड किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको और क्या प्रिपरेशन करनी है। अब एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ मेंटर, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपका टेक्स्ट बुक क्लियर नहीं हो ना बेटा, तो सब कुछ लीव कर लेना, पहले टेक्स्ट बुक लर्न करना,
गाला भी लीव कर लेना, ठीक है। टेक्स्ट बुक आपका बाइबल है, सबसे पहले टेक्स्ट बुक प्रिपेयर कर लेना। अगर आपका वो बहुत अच्छे से हो गया है ना, ठीक है, तो ही आप बाकी सारी चीज़ों पे करना। और ये वाले क्वेश्चंस तो आपके सामने ही हैं, आप लर्न करते जाएंगे तो उतना आपको आपके लिए काफ़ी बेटर। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक बेसिस पर ही हैं। तो आई बेटा, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब लिमिटेशंस क्या था, देखो अब ऑक्टेव मतलब कि आठ ही ग्रुप में आ सकते थे, तो इसका मतलब कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद एलिमेंट्स जो थे वो उसमें फिट नहीं हो रहे थे। जब न्यूलैंड ने ये लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया था तो 56 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर हो चुके थे, और उनके अनुसार ऐसा था कि आगे और एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे, जो गलत था, ठीक है। जब डिस्कवर हुए तो वो उसके लॉ ऑफ ऑक्टेव में फिट नहीं हो रहे थे। लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही पॉसिबल था, दैट मीन्स कैल्शियम। कैल्शियम 20 नंबर तक तो आता है, तो लाइटर एलिमेंट्स ही हो गए। फिर जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, ठीक है, तो उसमें तो ये इरेलीवेंट मतलब किसी भी तरीके से ये रिलीवेंट था ही नहीं उसके लिए। ओके, अब देखो बेटा, बेसिकली इन लोगों ने हमें बोला नहीं है कितने लिमिटेशन लिखने हैं। तो एज़ पर द बोर्ड मार्किंग ऐसा होता है कि हाफ मार्क फॉर वन पॉइंट, तो इसके मैंने आपको चार पॉइंट्स दे दिए। टेक्स्ट बुक में शायद सिर्फ दो ही हैं, ठीक है, आप दो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप दो भी लिख सकते हैं। आपको अगर टेक्स्ट बुक ऑलरेडी लर्न है, आपने कोई रेफरेंस बुक में से लर्न किया होगा, उसमें जनरली दो दिए होते हैं, तो आपने वो लर्न कर लिया तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। टेंशन मत लेना, मैम ने चार दे दिए, अभी और दो लर्न करने, बेसिकली उसके स्टेटमेंट में से निकाले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29, व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज बाय मेंडेलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए मेंडेलीव ने क्या क्राइटेरिया यूज़ किया था। तो सबसे पहला तो उन्होंने एटॉमिक वेट मतलब कि एटॉमिक मास के ऊपर टेबल बनाया, और उसके बाद उन्होंने कैसे किया था, उन्होंने इंक्रीज इन एटॉमिक मास के बेसिस पर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती है, ठीक है, तो वो सिमिलरिटी के बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते गए। दैट्स इट, ये दो ही क्राइटेरिया से। नेक्स्ट 30, व्हाट इज लिम्फ एंड राइट इट्स फंक्शन। अब लिम्फ क्या होता है बेटा, तो लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, जो पूरे लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे हमारा एक पूरा, अगर हम ये कहूँगे एक पूरी जो हमारे पास नस ब्लड फ्लो करने वाली होती है, तो उसके साथ एक पूरी नस जो होती है वो लिम्फ लिक्विड फ्लो करने वाली होती है, तो लिम्फेटिक सिस्टम होता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वैसे लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो इसके फंक्शन क्या होता है, ये आपके बॉडी में जो फैट्स होता है उसको एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लेता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा WBCs होते हैं इसके पास। और लिम्फ जो है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और कुछ हॉर्मोन्स को भी कैरी करता है, तो ये इसके लिमिटेशंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो देखो बच्चा ये रहा सी, ये रहा एफ, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो अभी बताना है रे डायग्राम के हिसाब से। देखो अब रे डायग्राम में क्या होता है ना बेटा, हमेशा याद करना, कोई भी दो रेस दिमाग में बिठा के रख देना, ठीक है, जैसे ये सी है, ये एफ है, ठीक, तो एक जो है ना वो पैरेलल जानी चाहिए और फोकस से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो एक तो यही आ गया, ठीक है। और दूसरा आप इसके अंदर कर सकते हैं यहाँ पर कि फोकस से पास हो रही है और फिर रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो जहाँ मीट करेंगी वो ऑटोमेटिकली हमारा इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी तरीके से है। तो अब ये इमेज कहाँ बन रहा है, आप देख सकते हो सी के यहाँ की तरफ बन रहा है, इसके लिए बियॉन्ड द सी सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा है, उल्टा है ना, तो दैट मीन्स रियली इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में इमेज की साइज ज़्यादा है, तो इसके लिए एनलार्ज, ठीक है। चलिए 32 क्वेश्चन, एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट डॉक्टर देसाई प्रिस्क्राइब्ड पावर प्लस 1.5D ऑफ करेक्टिव लेंस, ठीक है। ऑप्थेमोलॉजी मतलब कि जो आई का चेकअप करते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर देसाई ने प्रिस्क्राइब किया है कि आपको जो लेंस लेना है वो प्लस 1.5D का लेंस पहनना है। तो अब आप बताओ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी और किस टाइप का लेंस आपको उसने प्रिस्क्राइब किया है। तो आइए बच्चों देखो, तो आपको यहाँ पे पावर दिया हुआ है 1.5D। अब फोकल लेंथ निकालना है, तो पावर क्या होता है, पावर होता है 1/D, ठीक है, तो इसका मतलब 1/F, तो एफ क्या हो गया, 1/पावर, ठीक है। अब 1/पावर मतलब कि 1/1.5, डेसिमल रिमूव कर दूं तो 10/15, ठीक है, कटिंग कर लूं 5 का टेबल लगेगा, 5 2 5 3, तो 2/3 ये आया मीटर में, ठीक है। अब ऑब्वियसली मीटर में तो आंसर नहीं आएगा, सेंटीमीटर में रहता है, हाँ, बट ये चीज़ याद करना, पावर के साथ जब आप फोकल लेंथ लोगे तो उसका आंसर हमेशा मीटर में ही रहेगा। अगर
एग्जाम में आपको पावर निकालने के लिए बोला हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो पहले आप कन्वर्ट करोगे मीटर के अंदर। ये गलती कतई ही मत करना कि सेंटीमीटर में लिख के आओगे, आंसर पूरा गलत हो जाएगा, 2 मार्क आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो चलिए पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ सेंटीमीटर के अंदर। तो 2/3 × 100 कर दिया मैंने, तो सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो आएगा 66.666 लाइक 7 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे प्लस साइन दी हुई है, तो इसके लिए कौन सा लेंस हो जाएगा, द लेंस इज कॉन्वेक्स। मतलब कि कॉन्वर्जिंग। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, क्लियर ना। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, ओके क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और आपको करना है। तो प्लग फर्स्ट, ओपन, ओपन मतलब क्या होता है, जहाँ पे डॉट नहीं है वो ओपन हो गया, तो फर्स्ट के साथ क्या हो जाएगा, सी। सेकंड क्लोज्ड, डी साफ साफ है। ठीक है, थर्ड क्रॉसिंग वायर विदाउट ज्वाइनिंग, वायर क्रॉस कर रही है बट ज्वाइन नहीं कर रही है, तो उसमें बी आता है, बी वाला शेप होता है, और ज्वाइन वाला मतलब कि टी शेप, परपेंडिकुलर वाला शेप, तो फोर्थ का ए। ठीक है, क्लियर बच्चों। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, व्हाट इज सोलेनॉइड, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टिंग फ्रॉम द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है, तो आपको पता है कि हम लोग एक सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, और उसके पूरे इर्द गिर्द जो है वो एक वायर का कॉइल मतलब पूरा बना लेते हैं घुमा घुमा कर। ठीक है, तो लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन लाइक कॉइल इज मेड बाय कंडक्टिंग वायर, मतलब कि जो वायर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है वो वाउंड क्लोजली, वाउंड मतलब कि पूरा उसको घुमा लेना है सिलेंडर के ऊपर, तो वो क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड। ठीक है, अभी सोलेनॉइड जो है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही रिजेंबल करता है, तो जब आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जिसका मतलब कि इसके पास नॉर्थ पोल होगा और दूसरा जो होगा वो साउथ पोल होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ रेस जाती हैं और बीच में पैरेलल रेस आती हैं, तो बस यही पूरा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसके अंदर लिख देना है। एक ये पॉइंट रहेगी कि जो स्ट्रेंथ है इसके मैग्नेटिक फील्ड का, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना टर्न्स जो है वो घुमा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये है तो इस पर आपने वायर लिया, आप कितनी बारीकी से वायर घुमा रहे हो ना, अगर ज़्यादा टर्न्स लिए तो ये सोलेनॉइड जो है वो काफ़ी पावरफुल मैग्नेटिक फॉर्म में आ जाएगा, अगर कम वायर्स लिए ठीक है तो कम बनेगा, सिंपल सी बात है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्यों समझ आया ना, लाइक सेक्शन बी वाले मैंने लिया, ठीक है, आप मैंने बाकी के 1, 2, 3 का हैं तो वो सेम क्वेश्चन ही आ रहे हैं। What precaution should be taken to avoid overloading of the domestic electric circuits? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के ओवरलोडिंग से क्या क्या प्रिकॉशन, अब बहुत सीधी सी बात है कि एक ही सॉकेट में ना सबसे ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट मत करो, अप्लाइंसेज जो हैं ठीक है जो माल फंक्शनिंग है मतलब कि जो ख़राब हैं या पता है कि चालू बंद हो जाते हैं, तो उनको सॉकेट के साथ कनेक्ट मत करो। अगर हाई पावर कंजम्पशन वाले डिवाइसेज है तो एक साथ, जैसे कि एक ही साथ हमें रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, टीवी, एसी, गीज़र सब ऑन कर लिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को, उससे लोड जो है वो बढ़ जाता है। ओके, अब सोचिए मैम आप गीज़र भी ऑन करवा रहे हो, फिर एसी भी ऑन करवा रहे हो, या ठंडे गर्मी क्या है वो तो बता दो। चलिए 36 क्वेश्चन, व्हाट कैन यू एज एन इंडिविजुअल डू टू रिड्यूस योर कंजम्पशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब अगर हमें पूछा जाए कि भाई किस किस तरीके से आप नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन कम कर सकते हो, तो सबसे पहला मैं ये काम करूँगी जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है, उनको कम यूज़ करूँगी। ठीक है, अगर यूज़ किया है तो अगर लगता है दोबारा यूज़ करने तो रीयूज़ करूँगी मैं उसको और रिसाइकल करूँगी, नॉर्मल सी पॉइंट। फिर दूसरा ट्रीज़ प्लांट करूँगी ताकि जो फॉरेस्ट है वो रिसोर्सेज कायम रहे, क्योंकि आगे तो पूरी फ्यूचर जनरेशन को तो चाहिए ही ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे या बाइसाइकिल का यूज़ करेंगे ताकि हम लोग फ्यूल का यूज़ मिनिमम कर पाएँ। ओके, और प्लास्टिक वगैरह को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे बायोडिग्रेडेबल कंटेनर्स के साथ। ओके, ये मुझे 4 पॉइंट समझ में, आपको इसके अलावा कुछ आता है बेशक आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ वाटर स्टोर इन द ग्राउंड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कि अंडरग्राउंड पानी है तो इवेपोरेट तो होगा ही नहीं। ओके, और जो आप कुआं खोदोगे तो आपको आराम से पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इट डज नॉट इवेपोरेट एंड अवेलेबल टू द वेल्स। अब पानी ज़मीन के अंदर है, बाहर नहीं है, इसके लिए मॉस्किटोस जो है अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते, मतलब ब्रीडिंग नहीं है पॉसिबल। अब मॉस्किटोस ब्रीड नहीं करेंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी। ठीक है, तो इसके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड जो है मॉस्किटोस के लिए वो नहीं आएगा।
उसके अलावा अगर ज़मीन में पानी रहेगा तो ज़मीन गीली रहेगी, गीली रहेगी तो वेजिटेशन जो होगा वो अच्छा रहेगा, उसको मॉइस्चर मिलता रहेगा, फिर भले बाहर थोड़ी गर्मी क्यों ना हो। और उसके अलावा वो एनिमल वेस्ट वगैरह जो है, ठीक है, उन सबको लाइक देखो खुला पानी होता है, खुली नदी है या ऐसा कुछ है, तो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं काउडंग हो गया, यूरिन हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, ठीक है, वो पानी के अंदर बह जाते हैं। अंडरग्राउंड होगा तो खोद के तो ही डालेंगे हम लोग, ठीक है, इसका मतलब कि जो पानी की गंदगी है, जो पानी कंटेमिनेट हो जाता है, वो भी नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये सारे एडवांटेजेस हैं अगर हम पानी स्टोर करते हैं इन द ग्राउंड। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पेपर फिनिश कर लिया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर। क्या है ये? अब ये आपका पेपर दे रहा है अप्रैल मार्च का 2022 का पेपर, ठीक है। चलिए देख लेते क्वेश्चन क्या है। नाउ व्हाट आर आइसोमर्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज ऑफ ब्यूटेन। देखो बच्चों, अब आइसोमर्स क्या है? तो आइसोमर्स कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है, ठीक। अब इसका हमें बनाना है ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, अब ब्यूटेन जो होता है उसके अंदर कार्बन कितने होते हैं? चार। और ए एन ई है तो सिंपल फॉर्मूला पहले लगा दूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? C4H2 4 8 + 2 10। तो फॉर्मूला क्या बना? C4H10, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही है मेरा, ठीक है। देखना बच्चों, तो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मुझे क्या करना है? मुझे बनाना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सबसे पहला मैं क्या बनाऊँगी? सबसे पहला मैं बनाऊँगी एन ब्यूटेन। एन मतलब कि सिंपल चेन। ओके, क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 कार्बन हो गए, और इन चारों के साथ हाइड्रोजन अटैच करना है। ये सिंपल चेन। आइसोमर्स हमेशा ब्यूटेन से स्टार्ट होंगे, ठीक है। पहले के तो तीन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उनसे स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ब्रांच उनमें नहीं बन सकता है। जस्ट टिप बता रही हूँ मैं, ऐसा भी होता है। और सेकंड जो है, सॉरी, ठीक है, ओके, नाउ सेकंड जो रहेगा वो रहेगा हमारा आइसोब्यूटेन, ठीक है। आइसोब्यूटेन में क्या होता है बेटा? तीन कार्बन ऊपर रहते हैं और एक कार्बन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। बस ठीक है, अब तो हाइड्रोजन लगा ही देना है। मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि बनाना कैसे है। बना के भी दे सकती थी मैं आपको, बट फिर बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, क्लियर? चलो ना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है अभी? व्हाट डिफरेंस, सॉरी, राइट डिफरेंसेस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। तो देखो, सोप जो होता है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COONA, ठीक है। और ये जो होता है वो सल्फोनिक एसिड होता है SO3NA, ठीक है, लिख दूँ COONA, और ये जो होता है वो SO3NA। फिर होता है सोप्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं और जबकि डिटर्जेंट जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सोप्स जो है वो हार्ड वाटर में यूज़फुल नहीं होते, किसी काम के नहीं होते हैं, क्योंकि वो झाग नहीं बनाते। अगर झाग नहीं बनेगी तो गंदगी कहाँ से निकलेगी, ठीक है, जो डर्ट निकाल रहे हैं वो तो निकलेगा नहीं। और जो डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर में अच्छे से लेथर मतलब कि झाग वाग बना देता है, ठीक है। इसके लिए हम इसको वॉशिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सोप जो है वो वीक क्लीजिंग एक्शन है, इसके लिए हम लोग सोप, हमारी बॉडी पे जो हम यूज़ करते हैं सोप वगैरह, वो हमारी बॉडी इतनी गंदी नहीं होती ना, इसके लिए लाइक हमें माइल्ड चाहिए होता है। बट जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं उसके लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग चाहिए, दैट्स वाई हम लोग डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन ये? द पोजिशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स ए बी सी इन द टेबल आर शोन, ठीक है। तो ग्रुप 16 दिया हुआ है और ग्रुप 17 दिया हुआ है, ए बी सी आपको तीन एलिमेंट्स दिए हुए हैं। स्टेट वेदर ए इज़ मेटल और नॉन मेटल। अब देखो बेटा, ग्रुप 17 में ए है, ग्रुप 17 इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? 287, मतलब पीछे और एक चाहिए ना उसको इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वालों में से तो कौन होगा? नॉन मेटल, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैंने लिख के रखा हुआ है ए बिलोंग्स टू द ग्रुप 17 और वहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसके पीछे, दैट्स वाई इट टेंड्स टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। नेक्स्ट, स्टेट वेदर सी इज़ मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। सी जो है वो ए से रिएक्टिव ज़्यादा है कि कम है? तो
सी जो है वो ए से कम रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों सेम ग्रुप में 17 में बिलोंग करते हैं। अब जब आप ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जाओगे ना, तो साइज़ जो होती है, ठीक है, एटम की, एलिमेंट की साइज़ जो होती है वो इंक्रीज़ होती जाती है। अब जब इंक्रीज़ होगी तो स्टेबिलिटी जो होगी वो ए की ज़्यादा होगी, मतलब ए जल्दी स्टेबल हो जाएगा क्योंकि साइज़ कम है और सी लेट करेगा, इसके लिए सी जो है वो लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, नाउ विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। अब आप देखो दोनों सेम लाइन में आ रहे हैं, दोनों सेम लाइन में आ रहे हैं, इसका मतलब कि देखा जाए तो ये लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। तो वी नो एज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस होगी, इसका मतलब कि जो सी होगा वो स्मॉलर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन। यस देखो, तो सी इज स्मॉलर देन बी। विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म बाय ए। अब ए किस में है, 17 ग्रुप में है ना, ठीक है, देख रहे हो ना। हाँ, तो ए किस में है, 17, तो वो एक इलेक्ट्रॉन, तो मतलब वो क्या करेगा, ए माइनस बनाएगा, ए माइनस मतलब एनायन। ठीक है, तो ए विल फॉर्म एनायन, ए माइनस। चलिए क्लियर, बाकी तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन का डायग्राम सिंपल सा है, आपको पता है। ठीक है, इसके अंदर एक्सन, नर्व एंडिंग, डेंड्राइट, जो जो आपके टेक्स्ट बुक में है उस हिसाब से ही मैंने आपको लेबलिंग का दिया हुआ है, सेल बॉडी वगैरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट्स। अब कैसे अकर करता है, देखो फोटोट्रोपिज्म, फोटो मतलब लाइट, सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट, अब जो प्लांट होता है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं, सनलाइट से, सनलाइट की तरफ भी जाता है और सनलाइट से दूर भी जाता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म मतलब कि द मूवमेंट ऑफ द प्लांट ईदर टूवर्ड्स द सनलाइट और अगेंस्ट द सनलाइट इज नोन एज द फोटोट्रोपिज्म। सो आप देख सकते हैं द मूवमेंट ऑफ प्लांट और एनी अदर ऑर्गेनिज्म, वैसे हम प्लांट की बात करेंगे यहाँ पर, इन रिस्पॉन्ड ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट जो है कैन ईदर टूवर्ड्स द लाइट और अवे फ्रॉम इट। अब जैसे स्टेम है, ठीक है, तो स्टेम जो होगा वो क्या करेगा, स्टेम सनलाइट के ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म में जाएगा, जबकि रूट्स जो हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब कि सनलाइट से अपोजिट काम करते हैं। ओके, सिमिलरली जियोट्रोपिज्म, जियो मतलब अर्थ, तो अर्थ मतलब ग्रेविटी, तो जो मूवमेंट प्लांट का रहेगा इन रिस्पॉन्ड टू द ग्रेविटी वो हो जाएगा जियोट्रोपिज्म, जैसे कि आप देख सकते हो रूट्स। ठीक है, रूट्स जो होते हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी काम करते, तो ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म हो गया, यहीं पे स्टेम जो हो जाएगा वो नेगेटिव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोलिनेशन, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा की तरफ जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं, ओके, सेम फ्लावर में, डिफरेंट फ्लावर में, उसको हम कहते हैं पोलिनेशन। अब सेम फ्लावर में होंगे तो उसको हम कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरा हो जाएगा क्रॉस पोलिनेशन। सो द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, और ये हो जाएगा डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, द प्रोसेस कैन बी टेक्स प्लेस इन द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अगर फ्लावर अलग है तो प्लांट तो सेम ही होगा, दूसरे प्लांट पे नहीं जाएगा। ठीक है, और क्रॉस पोलिनेशन में क्या हो जाएगा, द प्रोसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द टू फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स। प्लांट्स ही अलग अलग है, उसके लिए फ्लावर्स भी अलग हो गए। ये जेनेटिकली फ्लावर्स बिल्कुल सेम दिखते हैं, आइडेंटिकली होते हैं, और ये जेनेटिकली डिफर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट अलग अलग हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट आर द चेंजेस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। अब देखो, हाइट सडनली इंक्रीज हो जाती है, बॉडी जो होती है, ठीक है, उनकी मस्कुलर हो जाती है, मसल्स डेवलप होते हैं, आवाज़ जो होती है उनकी चेंज हो जाती है, लाइक डीप, काफ़ी गहरी और लाइक हॉट, मतलब ऐसे अजीब सी आवाज़ हो जाती है, स्पेशली पुबर्टी एज में। ओके, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेकियस ग्लैंड, पसीना ज़्यादा आता है, सिबेकियस मतलब कि ऑयल ग्लैंड, वो काफ़ी रिलीज हो जाता है आपके फेस वगैरह पे, मतलब बहुत जल्दी जल्दी से ऑयल सीक्रेट होने लगता है। ठीक है, और दूसरा डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन्स वगैरह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं स्पीड नहीं जा रही हूँ ना, ऐसा कुछ लगे तो मुझे बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ध्यान रखूँगी। नाउ ड्रॉ डायग्राम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब देखो पेरेंट्स में फादर और मदर आते हैं, पेरेंट कंटेन लाइक फादर में स्पर्म होता है तो एक्स वाई क्रोमोसोम, मदर में एक्स एक्स। ठीक है, अभी जो गैमेट्स हैं एक्स वाई, तो ये जनरली आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे एक्स वाई और एक्स एक्स, तो ये एक्स और ये एक्स आपस में मीट कर रहे हैं। ठीक है, ये y और ये x आपस में मीट कर रहे हैं,
फिर ये एक्स और ये एक्स और ये वाई और ये वाई, ठीक है, चारों को मीट कर लेना, तो 50% चांसेस है डॉटर का, डॉटर की साइन ये होती है, नहीं लगा तो चलेगा, भूल मत जाना, ठीक है, और सन की साइन ये होती है, मतलब सन एंड द डॉटर, तो 50-50% चांस होता है। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन्स विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो अभी हम लोगों को यहाँ पर टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं। ना देखो, एनालॉगस ऑर्गन मतलब क्या होता है बेटा, वो ऑर्गन जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं बट उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जैसे कि पंख बर्ड्स के पास भी है और मच्छर के पास भी है, ठीक है, तो दोनों का फंक्शन तो सेम है उड़ने का, बट इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है बेटा, अलग अलग है, ठीक है। और होमोलॉगस में क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन अलग अलग होता है, जैसे कि फोर आर्म्स ऑफ फ्रॉग लिजार्ड एंड बर्ड्स आगे, ठीक है, अब आप फ्रॉग का फोर आर्म देखना, लिजार्ड का देखना, बर्ड का देखना, सबका सेम है बट उनका जो स्ट्रक्चर है सेम, उनका फंक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है, यहाँ तक इसमें हमारे ह्यूमन बींग्स का भी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन मतलब कि बाउंस बैकिंग ऑफ लाइट, ठीक है, तो जो पॉलिश सरफेस यानी जो शाइनी सरफेस पे जब लाइट फॉल डाउन करती है और फिर जब वो बाउंस बैक करेगी, ठीक है, बाउंस बैक करने के बाद दैट इज़ नॉन इज रिफ्लेक्शन, दो लॉज आते हैं उसके, सबसे पहला कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसीडेंस, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसीडेंस, दूसरा होता है कि इंसीडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम लेन में लाई करते हैं। अब देखो बेटा, ये आपने 8th से करते आ रहे हो, ठीक है, तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिगर मैंने दिया हुआ है, फिगर बना के आ जाए तो अच्छा ही है, इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगी, दो मार्क का ही तो है, फटाफट से फिगर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के यूजेज बताने हमें, तो कॉनकेव मिरर यूज़ होता है फॉर द शेविंग मिरर्स, ठीक है, शेविंग के लिए जो आप जब जाते हैं तो आपका फेस काफ़ी लार्ज नज़र आता है, तो वो कॉनकेव मिरर्स की वजह से, ठीक है, टॉर्चेस हेडलाइट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं कान के अंदर देखने के लिए, दांत डेंटिस्ट यूज़ करते हैं ताकि जो छोटी चीज़ें हैं ना हमारे बॉडी में, आईज ईयर्स, उसको विजुअल मैग्नीफाइड करके वो उसको एग्जामाइन कर पाएँ। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होते हैं उसके अंदर कॉनकेव मिरर्स होते हैं, सोलार फर्नेस में होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। नाउ नेक्स्ट, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2C अक्रॉस 2 points हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 volt, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कितना काम करना है, तो हमें निकालना है वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ QC, चार्ज कितना दिया हुआ है 2 coulomb अक्रॉस द 2 points हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दिया हुआ है 12 volt, ठीक है बेटा, तो अभी हम लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला लेना है W upon Q, ठीक है, V इक्वल टू W upon Q, अब W हमें निकालना है तो इसके लिए Q यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाई बाय Q, V इज 12, Q इज 2 इक्वल्स टू W, ओके, सो क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू 12 × 24 joule, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, वॉट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम, देखो ओजोन जो होता है वो बेसिकली O3 मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, ठीक है, मतलब तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स से मिलके बनता है। अब ओजोन जो है वो अपर मोस्ट लेयर लाइक स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर जो है वो लाई करता है, ये जो है वो द अर्थ पे जो लाइफ सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक शील्ड की तरह, ठीक है, वो एक प्रोटेक्टर की तरह हमें प्रोटेक्ट करता है सनलाइट के जो यूवी रेज आते हैं, जो बहुत हार्श यूवी रेज होते हैं उनको अर्थ पे आने से रोकता है, क्योंकि ये जो रेडिएशंस होते हैं वो स्किन कैंसर, ठीक है, या ह्यूमन बींग्स में वो मोती आना ना, आई कैटरेक्ट वो हो जाते हैं, कई बार तो हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उसको भी हार्म करते हैं, तो इसकी वजह से ये हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं, तो ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, समझ आया, ठीक है, तो यहाँ पे आपके आंसर्स भी हो गए, क्वेश्चंस भी हो गए, आपने देखा मैंने पेपर पूरा का पूरा आपको बता ही दिया, यहाँ पे प्रीवियस पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बोर्ड रिपीट करता ही है, क्योंकि बोर्ड को पता होता है कि बच्चे जो है वो एटलीस्ट पिछले 5 साल के पेपर्स तो करके ही आएंगे, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट करके जो बच्चे नहीं स्कोर कर सकते हैं एटलीस्ट वो स्कोर कर लेंगे, ओके। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली वो बच्चे, ठीक है,
जिनको थोड़ी सी मशक्कत होती है प्रिपरेशन करने में, तो अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि ये ऐसा है और आप इसको फॉलो कीजिए, मैं सारे क्वेश्चंस करवाती जाऊंगी। तो आप अगर इतना भी कर लेंगे ना बच्चा, तो आपके लाइक 60-70 के बीच में आराम से मार्क्स आ जाएंगे, ऐसी गारंटी मैं ले रही हूँ, हो जाएगा। तो टेंशन मत करना, ठीक है, बस आप वीडियोज़ फॉलो करते जाइए, लर्न आपको करना है। मैं मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ कि आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करूँ जो जो इम्पॉर्टेंट है और जो रिलीवेंट भी है। फालतू की वीडियो नहीं बनाती मैं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको करूँ, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको एक अच्छा मटेरियल मिले फॉर द प्रिपरेशन। तो बस आपका सिर्फ इतना काम है कि आप प्रिपेयर करते रहिए, और आपकी कोई डिमांड है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं साइड की साइड मैं कमेंट्स सारे रीड करती हूँ, मैं भी रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, बट कमेंट्स सारे रीड करती हूँ, तो आपके कमेंट्स में रीड करके जिसको जो ज़रूरत है वो मैं करती हूँ। किसी बच्चे ने मुझसे PYQ के क्वेश्चंस की डिमांड की थी, तो वो बच्चे की डिमांड बच्चे ने देख लिया होगा, तो उन्हीं की डिमांड पे ही मैं लेके आई हूँ। तो बच्चा कैसा लगा हो आपको ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैंने कहा पार्ट टू करना बाकी है, अभी तो बहुत कम क्वेश्चंस दिए सेक्शन बी में, स्टिल थोड़े और क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी फिर से सेक्शन बी का ही पार्ट टू के हिसाब से। तो आप अपनी स्टडी कीजिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप हार्ड वर्किंग।